हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वीवो का V20 एडिशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी हमने पन्नी पहले खुल चुकी है, तब पूरी खोल देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार फोकस करके, ये रहा इसका थोड़ी इन्फॉर्मेशन आउटसाइड के बॉक्स में। 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 64 का बैक कैमरा है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा दूसरा बॉक्स, ये रहा हमारा मेन वीवो का बॉक्स। इसके अंदर है शायद, हाँ ये रही हमारे पिन, सिस्टम ट्रे की पिन जिससे हम सिम निकालेंगे। ये रहा हमारा बैक कवर, इसका भी साइड रखते हैं। और ये रहा हमारा मेन फोन। चलिए इसको अभी थोड़ा साइड रखते हैं, अंदर का देख लेते हैं क्या क्या हेडसेट में है। तो इसमें आपको मिलता है 30 वॉट का फास्ट बूस्ट चार्जर, और इसमें एक डेटा केबल हमको प्रोवाइड की गई है, और हमको एक हेडफोन भी दिया गया है जो कि हम लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं कैंप फोन में। तो चलिए अब अपने फोन को ओपन कर देते हैं। ये रहा हमारा फोन जो कि गलती से मैंने स्विच ऑन कर दिया है, पर कोई बात नहीं। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फोन है। ये हमारा खुल चुका है, काफी स्लिम है, और क्वाड कैमरा है इसके साथ आता है। और ये मेलोडी कलर है, जो कलर जिसमें देख सकते हैं कितना अच्छा दिखा रहा है फ्रंट बैक इसका। चलिए अब अंदर का सिस्टम एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा फोन। चलिए रिफ्रेश रेट तो बहुत ही अच्छी है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, कोई रीसेट नहीं है। एक बार आपको फोन दिखा देता हूँ अबाउट फोन का सेक्शन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा फोन। ये 8 GB वाला वेरिएंट है, 2.2 GHz का स्नैपड्रैगन 730 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, और इसमें बहुत ही इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी भी है 1 TB तक की। और इसमें एंड्रॉयड 11 का सबसे लेटेस्ट डाला गया है एंड्रॉयड वर्जन, जो कि एकदम बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब इसकी कैमरा क्वालिटी की बात कर लेते हैं। इसमें आपको बैक में मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जो कि लेंस इसकी बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। और ये रहा 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जैसे आप देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छी फोटो आ रही हैं, और काफ़ी सारे मोड भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे ये मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दूंगा, इसकी होते रहेंगे, अब मैं इसको स्क्रीन के अंदर को आपको दिखा दूंगा। तो गाइस अब चलते हैं इसकी स्क्रीन के अंदर। तो गाइस, हाँ गए हम लोग आ गए हैं अपने स्क्रीन के अंदर, वीवो V20 की स्क्रीन के अंदर। ये रही इसकी रिफ्रेश रेट, बहुत ही धांसू एकदम शानदार है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं अच्छी रिफ्रेश रेट है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसका कैमरा दिखा देता हूँ, फिर सब आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वो कैमरा की तरफ बढ़ जाते हैं। ये मेरी आसपास का थोड़ा सा व्यू है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्लियर क्वालिटी है। इसमें मोड सुपर वाइड एंगल देखते हैं, ये स्पॉट भी कर रहा है क्या कैसे है, वो के ट्राई करते हैं। ये ब्लर भी होने लगा पीछे, चलिए इसको भी कट कर देते हैं। इसको लेंस में बहुत धूल जम गई है, दिख रही है बहुत ही आराम से दिख पा रही है धूल। चलिए जूम करके भी देख लेते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेट 10x का जूम है। शिट, गड़बड़ हो गई। हाँ ये देखिए, जूम भी बहुत ज़बरदस्त का है। चलिए इसके कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन की फ़ोटो खींच कर। कुछ स्क्रीन सैंपल्स तो आपने देख ही लिए होंगे। चलिए अब हम लोग ऐप को
बहुत सारे ऐप हैं, तो हम इनको खोल कर देख लेते हैं इसकी स्पीड कैसी है। सबसे पहले हम पीछे बैकग्राउंड ऐप एकदम खाली है, ठीक है, देख ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेलीग्राम से। बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। पेटीएम को खोल के देखते हैं। अच्छा है, अभी मैंने इसमें लॉगिन नहीं किया। इंस्टाग्राम खोल कर देखते हैं, ये भी एक नंबर चल रहा है। फेसबुक, ये भी बढ़िया है। चलिए अब डेली हंट को खोल कर देख लेते हैं। अभी मैंने साइन इन किया, सब बहुत ही अच्छी तरह से खुल रहे हैं। फ्लिपकार्ट, ये भी खुल गया। चलिए फ़ोन पे भी देख लेते हैं खोल कर, इसको भी मैंने लॉगिन किया नहीं है। अमेज़ॉन, सब बहुत ही अच्छे से खुल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को पड़ रही है। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया जिसकी वजह से थोड़ा, और मेरा नेट प्रॉब्लम भी थोड़ा धीमा है, पर बढ़िया है, बढ़िया फ़ोन है। चलिए इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 2.2 GHz की स्क्रीन रिफ्रेश रेट, 60Hz 90Hz तक की बहुत ही धारसू मिल जाती है। गेम प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, 730G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। इसमें बहुत सारे सेंसर्स हैं, जैसे लाइट सेंसर्स, नाइट सेंसर्स और बहुत सारे गायरोस्कोप सेंसर्स भी हैं। और इसमें गेम मोड भी है, जैसे आप देख सकते हैं गेम मोड, इससे हम लोग गेम भी बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। गाइस, ये था वीवो V20 का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।